कोरोना के चलते पूरा देश थम सा गया है। सारे उपनगर मानो शांत से हो गए हैं। रोज दौड़ने वाली भीड़ भी थम गई है। संक्रमण ना हो इसलिए सभी नागरिकों को घर में ही रुकने की सलाह दी गई है। युद्धकाल में भी चलने वाली भारतीय रेल पहली बार यात्री आवागमन के लिए बंद कर दी गई है। पूरे देश ने मानो जैसे इस कोरोना के खिलाफ एक जंग का ऐलान कर दिया है। जब युद्ध का ऐलान होता है तब सैनिक का पहला धर्म होता है देश की रक्षा करना। युद्धजन्य स्थिति में जब देश की जनता असुरक्षित महसूस करती है तब वो सैनिक ही होता है जो आगे बढ़ता है और सबसे पहले अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता है। वो सैनिक ही होता है जो स्वयं से पहले, अपने परिवार से पहले, अपने देश के हित को प्राथमिकता देता है। ऐसी परिस्थिति में भी हमारे देश में पुलिस, मेडिकल सेवा देने वाले कर्मचारी और अत्यावश्यक सेवा देने वाले सारे कर्मचारी अपने अपने मोर्चे पर डटे हुए हैं। रेल ने भी यात्री ट्रेनों का परिचालन बंद रखा है, लेकिन ऐसी आपदा स्थिति में रेल कर्मी देश के हर कोने में जीने के संसाधनों को पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। मेडिकल सप्लाई और जीवनावश्यक वस्तुएं नागरिकों तक सही समय पर पहुंचे, इसलिए मालगाड़ी सेवाएं, पार्सल सेवाएं लगातार चल रही है। रेल के ड्राइवर, गार्ड, स्टेशन प्रबंधक, पॉइंट्समैन, कंट्रोल ऑफिस के अन्य कर्मचारी दिन रात माल परिचालन करने में जुटे हैं। देश में कोई भी भूखा ना रहे इसलिए भारतीय रेल 2400 घंटे खाने के सामग्री का लोडिंग अनलोडिंग कर रही है। इस महत्वपूर्ण कार्य में अहम भूमिका निभा रहे हैं हमारे रेल के जाबाज, ड्राइवर और गार्ड। यकीनन ये रेल कर्मी किसी सैनिक से कम नहीं। इस समय पूरे देश को आप पर गर्व है। इतना महत्वपूर्ण काम करने वाले इन रेल कर्मियों को कोरोना वायरस का संक्रमण ना हो इसलिए रेल प्रशासन ने भी सुरक्षा के सारे इंतजाम किए हैं। इंजन का अंदरूनी हिस्सा, इंजन के होल्डिंग रॉड्स, इलेक्ट्रॉनिक लोको, गाड़ी चलाते वक्त चालक जिस जिस चीज को छू सकते हैं उन सभी जगहों का सैनिटाइजेशन, गार्ड कैब, गार्ड लॉबी, रनिंग रूम, स्टेशन मैनेजर कैबिन, प्लेटफॉर्म, इन सारी जगहों को लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है। इन वीर कर्मचारियों को संक्रमण से बचाने के लिए ड्यूटी के वक्त थर्मल स्कैनिंग किया जा रहा है ताकि किसी भी रेल कर्मी से अन्य रेल कर्मी को कोरोना वायरस का संक्रमण ना हो सके। अत्यावश्यक ऐसा सेफ्टी किट ड्यूटी करने वाले हर रेल कर्मी को दिया जा रहा है जिसमें सैनिटाइजर, साबुन, मास्क, हैंड ग्लोव्स, ये सारी चीजें उपलब्ध कराई जा रही है। ऐसे मुश्किल हालात में रेल प्रशासन आपके साथ खड़ा है और आपके साथ ही रेलकर्मी बेझिझक और पूरे लगन के साथ इस युद्ध में रेल सैनिक बनकर उतरे हैं। लेकिन अब उन्हें आपके साथ की जरूरत है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में हमारे रेल के सैनिक कमजोर ना पड़े इसलिए सारे साथियों को मिलकर आगे आना होगा। साथियों यही समय है अपने रेल को, अपने देश को आज सही मायने में आपकी सख्त जरूरत है। अगर आप ऐसे हालात में पीछे रह गए तो आप देशवासियों को क्या मुंह दिखाएंगे, अपने घर वालों को क्या मुंह दिखाएंगे और उससे भी ज्यादा अपने आप से नजर कैसे मिलाओगे। सिर्फ एक बार अपने गले में रेल आई कार्ड पहनकर खड़े रहिए। आपकी रूह भी आपसे पुकार पुकार कर कहेगी, हाँ मैं रेल कर्मी हूं, देश का सैनिक हूं, देश को मेरी जरूरत है और मुझे इस वक्त ड्यूटी पर जाना चाहिए। आगे बढ़िए, अपने इंचार्ज से तुरंत संपर्क कीजिए और इस हालात से बाहर निकलने के लिए देश की मदद कीजिए। अरे मेरे साथियों, रेल देश की लाइफलाइन है और इस लाइफलाइन की धड़कन आप है आप। ये धड़कन किसी भी हालत में रुकनी नहीं चाहिए। यादों के कुछ दीप जैसे जलते हैं, कुछ सपने ऐसे हैं जो साथ साथ चलते हैं। कोई सपना ना टूटे, कोई वादा ना टूटे, तुम चाहो जिसे दिल से वो तुमसे ना रूठे। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों।
से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। चलता है ये कारवां, गूंजी सी है ये वादियां, है ये जमीन ये आसमां, है ये हवा है ये समा, हर रास्ते ने हर वादी ने हर पर्वत ने सजा दी, हम जीतेंगे हम जीतेंगे हम जीतेंगे अलबाजी। कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं, कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।